शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मुझसे तो नहीं होगा, अगर तुम कर सकते हो तो कर दो। तो बताओ मैं तुम्हारा पानी कहाँ रख दूँ? मेरे घर में। कहना तो नहीं चाहिए लेकिन हालात कहने पे मजबूर कर देते हैं। चाहती हूं कि कुलकर्णी ठीक हो जाए, इतनी बुरी भी नहीं हूं मैं, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि वो अच्छा इंसान नहीं है। गरीबों की बद्दुआ लगती है, हाय लगती है। मुझे तो रुक्मी और केशव की चिंता हो रही है, इसके किए की सजा वो क्यों भुगते? इसलिए चाहती हूं कि कुलकर्णी ठीक हो जाए और ये गलत रास्ता छोड़कर धर्म का रास्ता अपनाए। अभी भी देर नहीं हुई है। हाय, मुझे भी रुक्मिणी वैणी के लिए बहुत बुरा लग रहा है, बिल्कुल अकेली पड़ गई होंगी वो। गांव में किसी पे कोई भी मुसीबत आती है तो सब लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं, फिर चाहे वो इंदु हो, भामा हो, रिहाना हो या महलसापति जी। लेकिन आज रुक्मिणी वैणी बिल्कुल अकेली पड़ गई हैं। हे विठला, मदद करना उनकी। घर में ढूंढ लिया, कहीं भी नहीं है वो। मुझे तो लगा वो बाहर होगा, लेकिन वो तो यहां भी कहीं नहीं है। इस समय कहां चला गया होगा केशव? केशव, केशव कहां गए थे तुम? तुम्हें पता है तुम्हारे पिताजी तुम्हें ढूंढ रहे थे। एक तो उनकी तबीयत वैसे ही खराब है और ऊपर से तुम बिना बताए कहाँ चले गए थे। माँ गुस्सा मत कीजिए, मैं साईं के पास गया था, अब पिताजी ठीक हो जाएंगे। इतना अंधेरा था, मैं अकेला नहीं जा पाता। वो तो उसी समय अध्यापक जी आ गए थे, उनके साथ ही मैं द्वारका माँ गया था। इसे पिताजी को पिलाने के लिए कहा है साईं ने। अगर केशव के पिताजी को पता चल गया कि हमने उन्हें साई की उदी पिलाई है तो वो आसमान सर पे उठा लेंगे। और क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? पिलाएंगे ना माँ। जब मेरा केशव जोखिम उठाकर साई के पास जा सकता है, उदी ला सकता है, तो मैं ये उदी पिलाने से क्यों डर रही हूँ? पंता जी, रसोई में लकड़ियाँ खत्म हो गई है, आप बाहर से लकड़ी ला दीजिए ना, ये काढ़ा मैं बना दूंगी। जी अभी लाता हूँ। केशव तुम दरवाजे पे नजर रखो, कोई भी अंदर आए तो मुझे बताना। Thank you.
ये यहाँ पर क्या कर रहा है? इसका मतलब ये सोया नहीं था, फिर कहाँ था? हाँ चिंताई, वो प्रार्थना कर रहा था पिताजी के लिए। ये तुम क्या कर रही थी उंगली डालकर काढ़े में? हाँ वो मैं देख रही थी कि काढ़ा कहीं ज्यादा गर्म तो नहीं हो गया। वैनी तुम्हें पता है कि तुम्हें यहाँ पर कुछ भी छूने से मना है। तुम रहने दो, काढ़ा मैं लेकर जाती हूँ दादा के लिए। दो काढ़ा दो। अरे दो ना तुम, गर्म तो नहीं है ना? दादा ये लो काढ़ा, लो उठो उठो। उठने की कोशिश करो दादा, उठो। ये लो दादा पी लो, पी लो दादा। ये कैसी बू आ रही है इसकी? उन मुर्गों ने क्या बना दिया ये? कुछ डाला है कि इसने? वो आपके निर्देशन के अनुसार ही उसने औषधि बनाई है, लेकिन हो सकता है जल्दबाजी में औषधि की मात्रा थोड़ी कम ज्यादा हो गई हो। आप पी लीजिए ना, आराम मिलेगा। हाँ हाँ पी लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। ये भी स्वादिष्ट। पी लीजिए। आप सो जाइए, आराम कर लीजिए थोड़ा। केशव जाओ बेटा, पिताजी को आराम करने दो। आओ दामोदर। तुम्हारी चिंता ने तुम्हारे माता पिता को समय से पहले ही बूढ़ा कर दिया था, पर अब देखो तुम्हें पाकर जैसे इनकी उम्र 10-15 साल कम हो गई है। ये सब आप ही के कारण संभव हुआ। आप ही ने मुझे कहा था ना कि तुम्हें एक दिन भगवान जरूर दिखे। मंदिर की मूर्तियां देखकर मैं ये सोचने लगा कि भगवान मुझे इसी रूप में आके दर्शन देंगे,
और उस गलतफहमी में मैंने अपने असली भगवान माता पिता की उपेक्षा की। और इतना तो तय है कि जो समय मैंने नष्ट किया है उसकी क्षतिपूर्ति भी मैं ही करूंगा। इसी क्षण से मेरे जीवन का एकमात्र संकल्प कि मैं अपने मां बाप की सेवा करूं। उनकी खुशियों का ध्यान रखूं। जब तक इंसान इंसानी रिश्तों को नहीं निभा लेता तब तक उसका ईश्वर से नाता कैसे जुड़ सकता है। ईश्वर तो दूर की बात है, उसका खुद से भी नाता कैसे जुड़ सकता है। जब तक वो दूसरों में ईश्वर नहीं देखेगा उसे ईश्वर के दर्शन कैसे हो पाएंगे। और जिस दिन वो दूसरों में ईश्वर का अंश देखने लगता है उसे ईश्वर के दर्शन की जरूरत ही नहीं रह जाती। पानी रुक्मिणी थोड़ा पानी लाओ। अरे देख क्या रही हो, पानी मांग रहा हूं। दादा तुम तो साफ साफ बोल पा रहे हो तो फिर हाथों से इशारा क्यों कर रहे हो तुम? हरिओम। अब तबीयत कैसी है पिताजी? आओ बैठो, अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं बेटा। खांसी भी चली गई और गले में दर्द भी नहीं है। ये लो केशव, अल्लाह ने चाहा बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। हाँ दादा, अब तुम बिल्कुल सही लग रहे हो मुझे। दादा कल रात को तुम्हारी हालत देखकर ना मैं बहुत डर गई थी। देर से सही लेकिन मेरी औषधि असर दिखा रही है। क्यों? लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनको मेरे वैद्य होने पर, मेरी औषधि पर, मेरी विद्या पर अविश्वास था, है कि नहीं? मैं क्षमा चाहती हूँ, अब केवल आप पर ही विश्वास है। हरिओम, पुरस्कार के पात्र केवल अंता पंता है जिन्होंने मेरे निर्देशों के अनुसार औषधि जो बनाई। ए, दांत क्यों निकाल रहे हो तुम? दादा कोई चुटकुला सुना रहे हैं क्या? हा? नहीं आत्या, वो क्या है कि पिताजी स्वस्थ हो गए ना तो मैं बहुत खुश हूँ। कल रो रहा था, आज हंस रहा हूँ। ओ जिसके हृदय में दया भरी हो करुणा मैं जो सर्वोपरि।
अल्लाह मालिक। इनके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करने आई हूँ। अवश्य। पंता जी, उधर देखिए कौन आ रहा है। ये जब भी आती है कोई ना कोई गड़बड़ करके ही जाती है। अंता जी, हमें इस पे ध्यान रखना होगा ताकि ये वहिनी को कुछ भी उल्टी सीधी पट्टी ना पड़ा दे। कुलकर्णी सरकार की तबीयत कैसी है आप? बायजाक का वहिनी को प्रार्थना करने दीजिए शांति से। इस मुश्किल समय में हम आपके पास तो नहीं हैं, लेकिन साथ जरूर हैं। अगर आप अपना मन हल्का करना चाहती हैं, कुछ बात करना चाहती हैं, तो अभी कर सकती हैं। कल रात इनकी तबीयत बहुत खराब थी। वो तो भला हो साई, आप चिंता मत कीजिए। कल रात के बारे में श्यामा ने हमें सब कुछ बता दिया है। एक उपकार करेंगी आप, श्यामा को मेरी ओर से धन्यवाद कह दीजिएगा और संतान की बधाई भी। मैं तो जा नहीं सकूंगी। वही नहीं, ज्यादा देर होने पे सरकार गुस्सा करेंगे। कुलकर्णी सरकार को ये कभी पता नहीं चलेगा कि उनकी जान तुमने बचाई थी। प्रणाम साईं। साईं राहता से आया हूं, हरियाणा में मेरा। बैठो। कहो। साईं किसान हूं मैं। बाप दादा सब खेती बाड़ी करते थे। कई साल पहले पिताजी ने कर्जा लिया था बहन की शादी कराने के लिए उस साहूकार जमुना लाल से। पिताजी के मृत्यु के बाद साहूकार ने हमारे खेत, हमारा खुआ सब जब्त कर लिया। कई सालों से हम दूसरे कुएं से पानी भर के ला रहे।
उसी से हमारा काम चल रहा था। इस बार फसल अच्छी हुई तो हमने साहूकार को सूद समेत उसका मूल लौटा दिया और अपने अपने खेत अपना कुआ उसे छुड़ा लिया। ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर परेशानी क्या है? साई परेशानी ये है कि जब हम अपने ही कुएं से पानी भरने जा रहे तो साहूकार ने पानी भरने से मना कर दिया। ये कुआ हमारा है लेकिन इसमें जो पानी है वो पानी उसका है। और अगर इस कुएं से पानी चाहिए तो और 25 रुपए देने होंगे। अब आप ही बताएं साई, गरीब आदमी हूं मैं, इतने सारे पैसे कहां से लाऊं? साई अगर उसका पैसा निकलता होता तो मैं जरूर देता, लेकिन साई वो साहूकार तो बेईमानी पर उतर आया है साई। ये बात तुमने गांव के मुखिया को बताई? साई गांव के मुखिया को बताने का कोई फायदा नहीं। साई हमारे राहता के जो मुखिया है वो कुलकर्णी सरकार है जो हमेशा अमीरों का ही पक्ष लेते। साई आपके बारे में बहुत सुना है कि आप कैसे गरीबों की मदद करते। तुमने गलत सुना है हरिया, क्योंकि मैं केवल सत्य का पक्ष लेता हूं। अमीर गरीब तो क्या, मैं किसी में भी भेद नहीं करता। अगर तुम्हारी बात में सच्चाई है तो मैं तुम्हारी मदद भी करूंगा। सरकार, आपको कोई मिलने के लिए आया है। कौन है? सरकार, अजीब तरह के कपड़े पहने, पहराव से तो अंग्रेज लगते हैं। अंग्रेज है? बोला। हाँ, आइए आइए आइए। मेरा नाम भवन है। आपने ब्रिटिश स्कूल में रिक्वेस्ट की थी इंग्लिश ट्यूटर के लिए, उसी के लिए आया हूं मैं। मैं खुद 5 साल से लंदन में था। हरिओम विराजी। केशव, आ बेटा बैठ। ये मेरा पुत्र केशव है, इसे मैं लंदन भेजना चाहता हूं शिक्षा प्राप्त करने के लिए। और मैं चाहता हूं कि इसे कोई ऐसा मिले जो अंग्रेजों की भाषा, उनका रहन सहन सिखा सके, ताकि जब ये लंदन जाए तब अंग्रेजों के साथ सरलता से घुल मिल सके। हरिओम। व्हाट इज योर नेम? हरिओम, बता केशव, तुझसे कुछ पूछ रहे हैं ये। जानता है ना सब, पढ़ा है ना अहमदनगर में? अहमदनगर में था ये आवासीय विद्यालय में, कुछ निजी कारणों से मैं वापस लेके आया इसे। हरिओम। केशव, यहाँ आओ मेरे पास, आओ। जय बेटा। हरिओम। ऐसे झुककर नहीं, एकदम सीधा, सीना ताने, चेहरा ऊपर। ओके, सुनो केशव, लंदन में लोग रॉब से चलते हैं, आपके पिताजी की तरह। केशव, अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, तब मुझे उसका उत्तर अंग्रेजी में चाहिए। मेरा नाम केशव है, मेरी उम्र 10 साल है और मैं शिरडी में रहता हूं। इसका आप अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए।
वर्ष, एज 10। सिर्फ अंग्रेजी बोलने से ये होशियार नहीं होगा, इसे दुनियादारी सीखने की भी जरूरत है। कुछ चीजें होती हैं जो बच्चे विद्यालय में नहीं, माँ बाप से भी नहीं, खुद के अनुभव से सीखते हैं, दोस्तों के बीच में रहकर सीखते हैं। अरे अरे बच्चे तो बहुत है यहाँ, लेकिन छोटे घर के है ना, ना कोई संस्कार है ना बुद्धि है, दिन भर बस बदमाशी करते रहते हैं, इसलिए हम उसको शांति शांति। मेरे ख्याल से केशव को बाहर जाने दीजिए, दोस्त बनाने दीजिए, फिर देखिएगा कि कैसे इसका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, लंदन वालों से ज्यादा अंग्रेज बन जाएगा ये। मित्रों के साथ खेलने से, बाहर जाने से इसकी लंदन में सफल होने की संभावना बढ़ेगी? ऑफ कोर्स बढ़ेगी, आप मुझ पे विश्वास कीजिए। आप अगर इतना कह रहे हैं तो मैं रोकूंगा नहीं केशव को, केशव बाहर जाएगा और खेलेगा भी। हरिओम। केशव बेटा मेरे पास आकर बैठो। अच्छा मुझे एक सवाल का जवाब दो, इंग्लैंड की क्वीन का नाम क्या है पता है आपको? इंग्लैंड की क्वीन का नाम है क्वीन विक्टोरिया। हरिओ आप चाहे तो खेलने जा सकते हो। केशव तुमने सुना नहीं ये क्या कह रहे हैं, जाओ बाहर जाओ खेलने के लिए। हरिओम। और सुनो, सूर्यास्त होने से पहले लौट आना, जाओ। आपका बेटा केशव जल्दी सीख जाएगा। देखो साईं, तुम जो भी हो मेरे लिए मामला पानी की तरह से साफ है। मैंने ये कभी नहीं कहा कि उस पैसे में पानी भी शामिल है, अगर इसे पानी चाहिए तो उसके लिए अलग से पैसे लगेंगे। इसने क्या गलत कहा? सही क्या है और गलत क्या, ये तुम बहुत अच्छी तरीके से जानते हो जमुनालाल। तुमने कहा कि आर्या ने सिर्फ कुएं के पैसे दिए, इसलिए केवल कुआं इसका है। मगर साईं, तो ठीक है जमुनालाल, कुआं हरिया का है और उसमें रखा पानी तुम्हारा, तो नियमानुसार तुम्हें हरिया के कुएं में अपना पानी रखने का किराया उसे देना चाहिए, या तो कुएं का किराया दो या फिर अपना पानी कहीं और ले जाओ। ये क्या बात हुई, ये तो कोई तर्क नहीं हुआ। तर्क है और तुम्हारा ही बनाया तर्क है। तुम पागल हो गए हो क्या साईं? अरे मैं भला कुएं का पानी कहाँ लेके जा सकता हूँ? क्यों नहीं ले जा सकते, तुम चाहो तो सब कुछ हो सकता है। अच्छा सच में? मुझसे तो नहीं होगा, अगर तुम कर सकते हो तो कर दो। ठीक है तो बताओ मैं तुम्हारा पानी कहाँ रखता हूँ? मेरे घर में। मुर्गैया, साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई
भी तू अनेक भी तू जन्म के पर्वत लांघ के आया तेरे दर में साई रे कृपा दृष्टि से मिट जाएंगे तेरे लख चौरासी रे भव सागर कर दे धन दुख के हर दे तुम कृपा सिंधु ये कैसे कर रहे हो साई तू तुम्हारी इच्छा शक्ति से तुमने ही तो कहा था कि कुएं के पानी को तुम्हारे घर में भेज दो अज्ञान की मिर से गिराव ज्योतिष भंकर साई राम से तुम पानी में घोलकर या फिर खाने में मिलाकर खिला देना ये राख तुम्हारे पास कैसे आई बताओ